मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण करेंगे, बच्चों के साथ संवाद करेंगे, पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे, साथ ही पीएम के विजिट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रात में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और काल भैरव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। वाराणसी के दौरे पर जाएंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अटल आवासीय विद्यालय जो कि सीएम की महत्वाकांक्षी योजना है, परिसर पहुंचेंगे, वहां पर निरीक्षण करेंगे। अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ होना है, प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर आने वाले हैं, इसलिए सीएम वहां पर पहुंचे, अटल आवासीय परिसर का निरीक्षण किया है करेंगे वाराणसी के दौरे पर पहुंचने के बाद, और बच्चों से संवाद भी करेंगे सीएम, साथ ही तैयारियों का जायजा लेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे अटल आवासीय विद्यालयों का, तो उससे पहले क्या तैयारियां हुई हैं उसकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। कितने बजे का कार्यक्रम है अनिकेत? देखिए, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी के कार्यक्रम से, तो 4:30 बजे का जो समय है वो प्रस्तावित है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे गोरखपुर पे हैं और आज शाम को गोरखपुर से वो सीधा वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर जो अटल आवासीय परिसर जो बनाया जा रहा है उसकी जो प्रगति रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करने के लिए, और इसके साथ ही उस परिसर का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4:30 बजे वाराणसी पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है पूजा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने के बाद में बच्चों से संवाद स्थापित करेंगे, और साफ तौर पर जैसा कि बताया जा रहा है कि आने वाले 23 से 24 तारीख के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच सकते हैं और उसका तमाम जो कार्यक्रम है वो वाराणसी में आयोजित है। उसको लेकर जो समीक्षा है, क्या कुछ तैयारी है, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के मानकों की बात हो या फिर जो पंडाल बनाया जा रहा है उसकी बात हो, तो तमाम इन चीजों की समीक्षा करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसलिए निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही रात्रि में अगर बात की जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन करने के साथ में जो काल भैरव मंदिर है वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि पूजा मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और वहां से वो निर्वाचित होकर आते हैं, और बताया जा रहा है कि आगामी जो 23 और 24 तारीख है वहां पर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट है। तो अब ऐसे में बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो तमाम वो समीक्षा, तमाम जो स्थानीय निरीक्षण है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दौरे से पहले करते हुए साफ तौर पर आज नजर आने वाले हैं पूजा। क्योंकि अटल आवासीय विद्यालय जो है वो सीएम की महत्वाकांक्षी योजना है और ये बड़ी योजना जिससे जो श्रमिक हैं हमारे उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, और उसमें एक ये बड़ी धुरी है अटल आवासीय विद्यालय। बिल्कुल, देखिए पूजा, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो लगातार जिस क्रम में प्रयास किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व लेकर उत्तर प्रदेश में, कि तमाम जो श्रमिक हैं, जो जिनके पास में अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, तब ऐसे में प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और उनके जो भाग्य है उसे और सुरक्षित करने का जो प्रयास है वो लगातार दिख रहा है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है अटल आवासीय योजना, उसको लेकर अलग अलग जिलों में जो आवासीय परिसर है वो बनाए जा रहे हैं। और अगर बात की जाए वाराणसी की, तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पर जो व्यवस्थाएं देनी है वो व्यवस्था कितनी मजबूत हो, कितनी पुख्ता हो, उनका जो स्थल निरीक्षण है वो प्रधानमंत्री आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4:30 बजे पहुंचने की बात करते हुए साफ तौर पर नजर आएंगे। शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए अनिकेत, अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे आपसे।